आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 15 जून की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरब ने किया हज वीज़े का ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ। हज 2022 के सिलसिले में जालसाजी की खबरों के दरमियान सऊदी हुकूमत ने जाली ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने मगरबी ममालिक के आजमीन हज के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वीज़े की दरख्वास्त देना करार दिया लाजमी। अमेरिकी सदर जो बाइडन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर अगला माह जुलाई सऊदी अरब का करेंगे दौरा। सऊदी अरब के साथ साथ बाइडन इसराइल और मगरबी किनारे में भी जाएंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मगरबी किनारे में करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस एनवी रमना के नाम कद। यूपी में योगी हुकूमत की जानिब से मुजाहरीन की गिरफ्तारी, घरों को मुनहदम किए जाने का अस खुद नोटिस लेने की गई दरख्वास्त। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरों पर गुज़िश्ता जुमा को हुए तशद्दुद के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई के पस मंजर। नमाज जुमा के बाद एहतजाज से गुरेज करने AIMIM व दीगर मुस्लिम तंजीमों ने की गुजारिश। MIM यूपी यूनिट ने अपने कारकुनों से कहा मसाजिद के करीब मुजाहरों में ना करें शिरकत। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ तहरीक चलाने का किया ऐलान। 17 जून को मुंबई में किया जाएगा जबरदस्त एहतजाज। दलित रहनुमा प्रकाश अपनी पार्टी के कारकुनों व मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के साथ इस तहरीक की करेंगे क्यादत। PM मोदी नौकरियां देने में नहीं बल्कि नौकरियों की खबरें बनाने में माहिर। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की PM मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी ने की तनकीद। कहा 8 साल पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियों का महाजुमला देने वाले मोदी जी ने एक बार फिर 10 लाख नौकरियों का दिया झांसा। मंगल को PM मोदी ने किया था महाराष्ट्र का दौरा। PM मोदी के इस्तकबाल के लिए जा रहे मिनिस्टर आदित्य ठाकरे को PM की सिक्योरिटी में तैनात। SGP ने उन्हें CM की कार से उतरने को कहा। आदित्य ठाकरे का नाम VIP लिस्ट में शामिल नहीं होने बताई वजह, बाद में दे दी गई एंट्री। छत्तीसगढ़ के जिला जंजगीर में 10 जून की दोपहर एक 10 साल राहुल खुले बोरवेल में गिर गया था। 104 घंटों की जंगी सतह पर चलाई गई मुहिम के बाद बिलाकर राहुल साहू को महफूज निकाल लिया गया बाहर। राहुल को महफूज बाहर निकालने गुज़िश्ता 2 दिनों से फौजी जवान भी थे मसरूफ। मानसून तेलंगाना में दाखिल। मानसून की आमद के साथ ही कई मकामात पर बारिश जारी। तेलंगाना में 18 जून तक बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 और 16 जून हैदराबाद समेत कुल 16 अजला में शदीद गरज व चमक के साथ बारिश होने की पेशकयासी की गई। हैदराबाद के बेगमपेट में शराबियों का हंगामा। पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान बाइक पर आने वाले 3 अफराद को पुलिस ने रोक लिया। हालत नशे में वो पुलिस से उलझ गए और सब इंस्पेक्टर पर कर दिया हमला। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।